तो देखो कितना खूबसूरत है लाइट लूम, पूरा धरती फार के आसमान बना दिया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड क्या हाल चाल भाई लोग। एंड मेरा ना टेस्ट चल रहा था, सो इसलिए ज़रा वीडियो पे काम नहीं कर रहा था। सो आज ख़त्म हो गया तो थोड़ा रिलैक्स करने जा रहा हूँ बाहर घूम के। इंटरनल टेस्ट चल रहा था, सो टेस्ट तो थोड़ा खराब ही गया है। इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं गया, मतलब बुरा ही गया यही सोच लो बुरा। सो इसलिए एग्जाम खत्म हो गया, अभी थोड़ा घूमने जाएगा। सो अभी दोस्त के पास जा रहा हूँ उसको लेने, सो दोनों मिल के जाएंगे। एंड मौसम आज कुछ थोड़ा अच्छा नहीं है, आई जस्ट होप बारिश ना हो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और देखो पूरा काला काला छा गया है। शिलोंग का मौसम ऐसे ही है, मिनटों में बदल जाता है। अभी धूप देगा, अभी बारिश देगा, बारिश के बाद फिर धूप देगा, क्या गारंटी है। एंड मुझे ना एक गोप्रो की बैटरी खरीद लेना चाहिए, ये बैटरी ना कुछ बस ये एक ही बैटरी है तो जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए ब्लॉग थोड़ा फोन से शूट करना पड़ता है। क्या करेगा, कैमरा एनी टाइम ऑन रखना पड़ता है ना, क्या पता कब सीन मिल जाए, रिकॉर्ड करे या ना करे ऑन तो रखना पड़ता है ना। सो दिस इज पारिक पॉइंट एंड मीट माई फ्रेंड डैक्सबोर्न। हाई हाउ आर यू? You have started the vlog, huh? Yes, yes. Say hi. Hi. So, इधर से डायरेक्ट यूटर्न नहीं ले सकता, इधर ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। देख रहे हो कितना ट्रैफिक है भाई। ज़्यादातर शिलोंग में स्कूल की वजह से ट्रैफिक होता है, क्योंकि सब लोग स्कूल आते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल टाइम ऑफिस टाइम में ज़्यादा ट्रैफिक होता है, क्योंकि सब लोग निकलते हैं गाड़ी घोड़ा लेके। क्या बोल रहे हैं, दिस इज द फ्लावर, पता नहीं क्या फ्लावर है। एंड वो देखो गाइस क्या पहाड़ देख रहा है, इतना ऊपर घर पहुंच गया पहाड़ के ऊपर। एक दिन खत्म हो जाएगा शिलोंग पीक घर बना के। एंड देख सकते हो क्या काला बादल छाया हुआ है, बस बारिश ना हो। ओ टूट वाला भैया, तो पहुंच गए हम लोग का पेट्रोल पंप। साला रोज इधर पेट्रोल भरता हूँ लेकिन फिर भी डिस्काउंट नहीं देता, अभी भी 103 लीटर। 500 का तेल में 5 लीटर भी नहीं आता अभी। ओ एंड अभी तक नहीं बताया मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी जा रहे हम लाइट लूम, क्योंकि बस यही एक जगह है जो पास में है, बाकी सब दूर दूर है। एंड टाइम भी उतना नहीं है। एंड हल्का फुल्का बारिश गिरने लगा है, पता नहीं क्या होगा अभी। बस ज़्यादा मत गिरना, नहीं तो सब कुछ खोलना पड़ेगा फिर से, रेनकोट पहनना पड़ेगा, गोपर खोलना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा यार। वाओ दिस इज शिलोंग। एंड ये देखो व्यू, उस तरफ धूप है, इस तरफ बारिश। लो शुरू हो गया ससुरा बारिश, क्या करे इसका। एंड शिलोंग से थोड़ा बहुत ठंड है इधर लाइकोर में, दिस इज लाइकोर। एंड देखो क्या पहाड़ देख रहा है। एंड बस इस साइड में थोड़ा बारिश हो रहा है, एंड आगे देखो धूप है इधर, वो देख सकते हैं आप लोग पहाड़ के थोड़ा उधर देखो पूरा लाइट चमक रहा है रोशनी की, तो बारिश बस इधर ही हो रही है। ओके ओके, शायद रेनकोट पहन लेना चाहिए भाई भाई। अरे अरे बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, गोप्रो खोलना पड़ेगा अभी। भाई भाई तो मिलते हैं जब बारिश रुकते हैं। तो भाई लोग यही है लाइट लूम जाने का रास्ता, लेकिन क्या करेगा रास्ता में बारिश हो रहा है तो गोप्रो खोलना पड़ रहा है। एंड दिस इज सीमेंट मार्केट भाई लोग, लाइट लूम 6 किलोमीटर। एंड भाई साहब ये देखो व्यू कितना अच्छा है, खुले आसमां है। एंड मुझे ऐसे छोटे रास्ते बहुत पसंद आता है, ऐसा लगता है जैसे गाँव में चला रहा है। और जानते हो गाँव का इन्वायरमेंट कैसा है, बहुत ही अच्छा है, फ्रेश यार। फिर से बारिश आएगा, क्या काला काला बादल छाने लगा। एंड ये देखो गाइस व्हाट दिस, क्या कलर है, क्या एवरीथिंग इज पर्फेक्ट। हाँ एंड ये देखो गाइस क्या व्यू है, वाओ खाली पत्थर ही पत्थर। चलो इधर एक फोटो खींच लेता हूँ। ओके तो वो देखो प्रक्रिया, तो कुछ इस तरह का है ये पहाड़, देख सकते हैं आप लोग, दिस इज द पहाड़। तो चलो इधर से चलते हैं अपनी मेन जगह पर। तो पहली बार जब आया था तो रास्ता के उस पर गया था, असल में रास्ता ये है। और डिपू भाई ने क्या किया मालूम है, वो नक्शाबाजी था, वो मैप देख रहा था तो उसने क्या किया पता है, लाइट लूम व्यू पॉइंट सर्च मार दिया तो कहाँ मतलब उधर ले गया पहाड़ के उस पर, बहुत दूर जाना पड़ा था। सो दिस इज द राइट वे टू लाइट लूम, एंड दिस इज लाइट लूम व्यू पॉइंट। इधर बाइक पार्क करना पड़ता है। दिस इज लाइट लूम, खाली पहाड़, जहाँ भी बाइक पार्क करो और जाओ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखो मतलब बाहर इधर से मतलब खाई हो गया ऐसा करके, देख सकते हैं आप लोग, तो उधर नहीं है बस इधर से मतलब खाई शुरू हो के ऐसा उस तरफ गया है। ये सब किसने किया है, भूकंप नहीं किया होगा। तो देख सकते हैं आप लोग कैसा हुआ है ये पहाड़, देखो ये थोड़ा शर्मा रहा है कैमरा फ्रेंडली नहीं है ऐसे, वो मुझे बोल रहे थे मुझे मत दिखाओ। एंड सी दिस इज द लाइट लूम, तो ये एक है तो उधर जाके मिलते हैं, उधर उस साइड पे है असली जहाँ बैरियर लगा हुआ है, तो चलते हैं उधर। एंड गाइस ये देखो व्यू, दिस इज लाइट लूम, वाओ वाओ
अभी थोड़ा उस तरफ जा रहा हूँ जहाँ से पहाड़ दिखेगा अच्छे से। ये देखो टोपी वाला भाई साहब, एंड अगर ड्रोन होता तो कसम से मज़ा आ जाता व्यू देख के। अच्छा व्यू, लेकिन क्या करो, बड़ नसीब है ड्रोन नहीं किया, ऐसे ही देख लो। राइस बियर एंड व्यू देखो गाइस, यही है लाइटलूम। तो देखो कितना खूबसूरत है लाइटलूम, पूरा धरती फाड़ के आसमान बना दिया। आप क्या बोलो, पूरा धरती फाड़ के क्या बना दिया, आसमान बना दिया या क्या बना दिया, क्या बोलो। एंड ये देखो क्या नदी है इधर, ये देखो छोटा सा गाँव। बहुत खींच लिया सिनेमेटिक शॉट, एंड इधर से आप लोग नीचे जा सकते हैं अगर आप लोग जाना चाहते हो तो। चलो हम लोग भी उतर के देखते हैं कहाँ तक उतर सकते हैं। एंड सी द व्यू गाइस, वो देखो गांव, हालत ख़राब हो जाएगी उठने में, फिर से पैर दर्द करने लगेगा अगर ये फिर से नीचे उतर के उठेगा तो। वाओ, एंड अभी इधर काम चल रहा है, कुछ बना रहे, घर बन रहे, सीढ़ी बन रही, शेड ये बना रहे। तो इधर है कुछ इस तरह व्यू पॉइंट देखने का जगह, तो नीचे से कुछ इस तरह दिखता है। एंड बस यही उतरा था तो हालत ख़राब हो गया। एंड पता नहीं ये लोग कैसे रहते हैं, रोज़ ये चराई करके उठेगा फिर उतरेगा, उफ नहीं होगा हमसे तो ये। बाप रे, वो देखो सीढ़ी देख सकते हैं आप लोग, वो लोग इधर से आते जाते रहते हैं। छोटा सा गाँव है, इतना बड़ा भी नहीं है। एंड आप लोग देख सकते हैं थोड़ा फूकी फूकी होने लगा है, यही है। अभी थोड़ी देर बाद कुछ दिखाई नहीं देगा। ओ उधर एक गांव है एंड उधर एक गांव है, देख सकते हैं आप लोग। वाओ, एंड दिस इज़ लाइटलूम गाइस, दिस इज़ लाइटलूम। तो सामान ऐसे भेजते और इंसान ऐसे उतरते हैं, ये बहुत मुश्किल है ना सामान लेके उतरना इतना नीचे, मजाक है क्या। अरे बाबा हम तो थक गया, पता नहीं उधर के लोग कैसे चढ़ते हैं रोज़, नहीं होगा हमसे तो। एंड ऊपर आ गया अभी, तो अभी इस साइड पे जाएगा, थोड़ा इस साइड का व्यू दिखेगा आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं बस ये बैरियर ही दिखेगा आप लोगों को, जहाँ तक जाएगा बस बैरियर ही बैरियर मिलेगा। एंड दिस इज लाइटलूम गाइस। तो इधर थोड़ा बैठ के थोड़ा रेस्ट करते हैं, अभी बहुत थक गया ना वो चारे करके, तो जगह ढूंढ रहा हूँ बैठने के लिए, कौन सा वाला बेस्ट है। तो उधर बैठ के थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद जाएगा घर। तो अभी इधर थोड़ा बैठ गया, थोड़ा रेस्ट कर गया, इधर बहुत थक गया हूँ ना। तो ये देखो क्या व्यू के साथ, उफ थोड़ा। क्या धूप दिया है, वाह क्या खूबसूरत देख रहा है। दिस इज लाइटलूम। तो लाइटलूम से निकल रहे अभी, तो यही था लाइटलूम, छोटा सा मोटा सा दिखाया आप लोगों को। तो यही है वो रास्ता जहाँ डिपू ने हमको लेके गया था, इधर से 30 किलोमीटर दूर। वाह क्या मतलब, रास्ता भी अच्छा था इसलिए गया था, लेकिन थोड़ी दूर जाके रास्ता बहुत ख़राब था उधर का, इतना रास्ता ख़राब है फिर भी जाते रहे, बाद में क्या मिला, खाली जंगल। हिंदी मालूम हो गया फिर उधर की, एक मतलब लोग को पूछा था ये लाइटलूम कहाँ है, पता ही उसने क्या बोला, कुछ नहीं बोला, लाइटलूम सिर्फ ऐसे बोला। फिर हमने बोला हिंदी मालूम, फिर उसने बस स्माइल ही किया। एंड देखो खाली पहाड़, वाओ दिस इज़ आवर मेघालय। एंड दीपू भाई जल्दी शिलोंग आओ, ओ यार मिसिंग यू, फिर से हम लोग व्यू पॉइंट देखने जाएंगे। ये देखो व्यूस, एंड पहुंच गया स्मिथ बाजार। तो अगर आप लोग इस रास्ते से जाएंगे तो आप लोगों को मिलेगा जो आई, सॉरी मैं तब दिखाना पाया जब हम आ रहे थे क्योंकि बारिश हो रहा था ना, गोपर खोलना पड़ा। एंड अभी बस इस रेस्टोरेंट में खाने के लिए पहुंचा था। एंड ये देखो कौन है, अभी घर से आया है सीधा रेस्टोरेंट में। एंड गाइस दिस इज मारंटिंग बाजार। एंड तो इधर हम लोग खाने के लिए रुके थे, सो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। एंड भाई साहब क्या जाम लगा हुआ है पुलिस बाजार में, व्हाट हैपेंड टू दिस रिनोवेटिंग और व्हाट। शिलोंग का इस एरिया थोड़ा अच्छा लगता है, रास्ता किनारे दुकान है ना, अच्छा लगता है देख के। एंड गाइस आप लोग देख सकते हैं दिस इज बारा बाजार, देखो रास्ता किनारे दुकान, खाली फुटपाथ, ये बाइक पार्किंग, दिस इज बारा बाजार। एंड बारा बाजार में सब चीजें थोड़ा दाम कमती है एज कम्पेयर टू पुलिस बाजार एंड अदर पार्ट्स ऑफ शिलोंग, बहुत ही सस्ता है इधर।
ये जीन्स भी 12,000 की है, 700 रुपया लिया था। छूट क्यों बोलूँगा। ये देखो कॉलेज शूज, फर्स्ट कॉपी नहीं मिलेगा लेकिन कम दाम में मिलेगा। एंड दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ 12,000 एंड बाय बाय, सी यू सून। सो डायरेक्ट यू टर्न तो नहीं जा सकते, इधर से जाना पड़ेगा सीधा। एंड वो क्या बोलता है, गाड़ी खाना ना क्या, उधर से निकलेंगे। एंड SSC एग्जाम देने वाला लोग, देखो लक्ष्मी प्लाजा, ओ दिस वे गाइस, जैसे ऐसा घूमना पड़ता है। एंड दिस इज गाड़ी खाना सुमो स्थान वॉट एवर, एंड वेलकम टू शिलोंग कैंटोनमेंट। तो यार आज का वीडियो इधर खत्म करता हूँ, अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड चैनल पे नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। एंड गाइस दिस इज रिलबोंग पॉइंट, एंड ये देखो टैंक बीजा यंता, देखो टैंक ओरिजिनल है, एकदम ओरिजिनल।